हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम का सिलेबस। तो जो एमकॉम का सिलेबस है ये आपके सामने माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का है। यही जो सिलेबस है इस बार से एप्लीकेबल होगा। आप लोग देख सकते हैं ये कब से एप्लीकेबल होगा, 2023-24 से। तो ये एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो पहले सिलेबस अलग हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न के अंदर, कोई पेपर के अंदर थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। तो वही हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आखिरकार इसके पेपर में बदलाव किया गया है। तो ये आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है और आप लोग देख सकते हैं अपना जो सिलेबस है। तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, तो आप देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से जो है कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर कोड जो बनाए गए हैं वो 7 सेमेस्टर है। देखिए 7 सेमेस्टर भी कह सकता हूँ मैं, एम कॉम का जो पहला सेमेस्टर है मैं इसे 7 सेमेस्टर, 7वां सेमेस्टर इसलिए कहूँगा क्योंकि बी कॉम के 3 और +1, तो ये 7वां सेमेस्टर और एम कॉम का पहला सेमेस्टर। और पूरी ग्रेजुएशन और पीजी को मिला करके देखा जाए तो ये बनेगा आपका 7वां सेमेस्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पेपर कोड है आप देख सकते हैं 730102, ठीक है, 345 और आपका 165150। इस तरह से टोटल मिलाकर के आपके सामने जो पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मिलाकर के आपको इस तरह से 7 पेपर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे आखिरकार ये किस तरह से हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें कौन से पेपर हैं जो अनिवार्य हैं। तो ये जो 3 पेपर स्टार्टिंग के ये आपके लिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये वाले जो पेपर हैं, ये वाले जो कोर्स हैं, ये कोर हैं और ये आपके कंपलसरी हैं। कंपलसरी में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, सबसे पहले आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड OB, सेकेंड है आपका कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग और थर्ड है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये 3 पेपर तो हो गए हैं आपके अनिवार्य कंपलसरी। उसके बाद यहाँ पर 2 पेपर हैं इलेक्टिव नेचर के, जिसमें से हमें एनीवन कोई भी एक सेलेक्ट करना है, चाहे तो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी को करें या फिर हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को करें। तो इस तरह से देखिए 3 तो ये और इसमें से एक आपको लेना है, ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 4 हो गए हैं। उसके बाद आपकी एक बनेगी फाइल, ठीक है, ये भी कंपलसरी है, रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आपका एक है जो है प्रोजेक्ट तैयार होगा सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट है माइनर इलेक्टिव, ठीक है, माइनर इलेक्टिव एंड वैल्यू एडिड फॉर अदर फैकल्टी, ये हमें दूसरी स्ट्रीम से लेना है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि 3 ये 1 ये और 1 माइनर, टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो है 5 पेपर हो गए हैं, ठीक है, कितने हो गए, 5 पेपर हो गए, प्लस एक आपकी जो है रिसर्च प्रोजेक्ट, आपका जो रिसर्च है, आप जो रिसर्च करेंगे उसकी फाइल को मिलाकर के देखें तो यहाँ पर 6 हो गए हैं। लेकिन जो पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, वो 5 के ही होंगे और आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर पेपर को जो है सिलेबस को इस बार डिजाइन किया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला कॉलम, अगले कॉलम में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है थ्योरी, प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट, तो ये सब थ्योरी न्यूमेरिकल है और बाकी सिर्फ एक अपने पास प्रोजेक्ट है। उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट की, कि एक पेपर में हमें कितना क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो पेपर है उन सभी का जो क्रेडिट है वो बराबर रहेगा, 5 क्रेडिट, लेकिन जो हमारी प्रोजेक्ट की फाइल है उसका जो क्रेडिट रहेगा वो रहेगा 4। उसके बाद टोटल पेपर कितने मार्क्स के होंगे, पेपर का वही पैटर्न रखा हुआ जो पहले था 100 मार्क्स का, लेकिन इस बार थोड़ा सा रेशियो चेंज किया गया है, इंटरनल 25 के कर दिए गए हैं और एक्सटर्नल 75 के कर दिए गए हैं। दूसरी बात कि पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए चाहिए आपको 40 नंबर, ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, 40 नंबर। तो ये थी आप लोगों के सामने आपका जो एम कॉम का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का ओनली, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार डिजाइन किया गया है। आपको सब्जेक्ट को समझने में, पेपर को समझने में कोई भी डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट करिएगा। आप व्हाट्सएप पर जाकर के आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे,
आप लोग जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप लोग लिखेंगे टोटल्स अकाउंटेंसी, जो हमारे चैनल का नाम है, अगर ये लिखेंगे आप लोग तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हमने ग्रुप बना दिया है और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ताकि आपको जो डाउट है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसे सोल्व की जा सके। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग डीपली के मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंदर क्या पढ़ना है सभी को। अब लोग एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आपका जो जो पेपर है, पेपर पूरा डीपली यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अपना फर्स्ट पेपर है, ठीक है। यहाँ पे कोड पे देख लेना आप, फर्स्ट ये फर्स्ट पेपर है आपका, ठीक है। कौन से वाला, मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक, एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एज पर NEP। तो यहाँ पे यूनिट के अंदर हम यूनिट वन के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैनेजरियल जो भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग वगैरह। उसके बाद सेकंड में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। थर्ड में मोटिवेशन, और फोर्थ में है डायनामिक ग्रुप डायनामिक, एंड फिफ्थ लीडरशिप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर, जिसका नाम है कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। और यूनिट वन में क्या रहने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन। और उसके बाद यूनिट टू में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। और थर्ड में टैक्स प्लानिंग, और फोर्थ में क्या रहेगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं डीपली। तो मैं तो यहाँ पे बहुत ही मोटा मोटा बता रहा हूँ, टैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। तो ये था पेपर सेकेंड। उसके बाद चलते हैं पेपर थर्ड में। आप लोगों के पास अगर सिलेबस नहीं है, आप लोग स्क्रीन शॉट लेके रख लेना अपने पास में। ये भी मेन पेपर है, जिसका नाम है स्टैटिकल एनालिसिस, पेपर नंबर 3 है। और यूनिट नंबर 1 में क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सेकंड में क्या है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड थ्योरी, थर्ड में जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो थर्ड में रहने वाला है सैम्पलिंग। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरियंस। और फिफ्थ यूनिट के अंदर रहने वाला है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से 3 पेपर आपके हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ में। चाहे तो आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ले सकते हैं। तो जो अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका जो सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है सिलेबस को डिजाइन किया गया है।